नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। चप्पे चप्पे पर होगी नजर, सुरक्षा की दृष्टि। कुरवाई नगर के 8 स्थानों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। जी हां, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशांत सिंह सुमन व थाना प्रभारी राजेश सिन्हा की पहल पर नगर में सभी कैमरे पॉइंट जन सहयोग से लगाए जा रहे हैं। शहर के चौक चौराहों, बैंकों के पास 8 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में संपूर्ण कुरवाई नगर कैमरे की निगरानी में होगा एवं इन सभी कैमरों का कंट्रोल रूम कुरवाई थाना को बनाया गया है, जिसमें बड़ी स्क्रीन पर इन कैमरों की तस्वीरों की निगरानी पुलिस की स्पेशल टीम करेगी। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रशांत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने से नगरवासियों की सुरक्षा और भी ज़्यादा चाक चौबंद हो जाएगी, साथ ही असामाजिक तत्वों के हौसले पस्त होंगे। नगरवासियों की सुरक्षा के लिए एक अनोखी पहल पर पुलिस प्रशासन का सभी नगरवासियों ने आभार व्यक्त किया। इंडिया खबर लाइव संवाददाता कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। क्योंकि अभी कुछ 3 महीने पहले ही एक लूट की घटना यहाँ विनोद जैन व्यापारी, जो गल्ला व्यापारी, उनके साथ हुई थी और वो घटना में सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के कारण ही वो घटना पकड़ी गई थी। वो भी एक छोटे से गांव में, ग्राम उहर में, एक किराना दुकान पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें आरोपियों के फुटेज आए थे जो फरियादी द्वारा पहचाने गए थे और उस घटना को ट्रेस होने से ही एक हम लोगों को भी लगा कि ये इतना बड़ा शहर है और यहाँ के व्यापारी लोग बाहर भी जाते रहते हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो उनकी सुरक्षा के लिए और इस तरह के कैमरे लगाए जाना आवश्यक है। तो यहाँ मीटिंग बुलाकर हमने व्यापारी व यहाँ के गणमान्य नागरिकों से, अधिकारी और SDM साहब ने भी इंटरेस्ट लिया, SDOP साहब द्वारा भी इंटरेस्ट लिया गया और मीटिंग बुलाकर सभी से चर्चा की गई और जन सहयोग से कैमरे लगाए जाने की पहल की गई। तो अभी तक 4 पॉइंटों पर 4-4 कैमरे, जिसमें प्रमुख रूप से गांधी चौक, बस स्टैंड, इनातराव और चुंगी नाका पटेल ढाबे के सामने मुख्य स्थानों पर अभी तक 4 जगह कैमरे लगाए जा चुके हैं, जो कि आगे अगर किसी भी घटना होती है तो पुलिस को और लोगों को काफ़ी सहयोग उससे मिलेगा। और भी अभी 4 पॉइंटों पे विचारणी है जो शहर के अंदर और कोर्ट परिसर के बाहर और एक जिम के सामने जो आपका बीना रोड है और मालीपुरा तिरा जो सियारा रोड है, यहाँ पे भी प्रस्तावित है। शीघ्र ही उस पर भी कार्रवाई करके और जन सहयोग से, बैंकों से सहयोग लेकर और कैमरे लगाए जाए।